समझाया था, ये मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो रहा है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं कितना F। ये फोर्स का जो वैल्यू है, हमारे जो बल लग रहा है वो फोर्स जो है वो एफ एक्स मैक्स से ज्यादा लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, इससे ज्यादा लगा दिया जाए, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा लगा दूंगा तो इसके बीच में यानी कि इनके इस पिंड और इस प्लेन के बीच में जो बल कार्य करेगा, जो फोर्स कार्य करेगा, वही फोर्स क्या कराएगा, जब इससे ज्यादा लगाऊंगा तब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इससे ज्यादा लगाऊंगा तब की बात मैं कर रहा हूं। तो जब बल कार्य करेगा उस बल को क्या नाम देंगे हम, काइनेटिक फोर्स यानी कि गति घर्षण बल। नहीं समझे क्या बात, नहीं आए क्या? अब इससे कम लगाऊंगा, इससे कम लगाऊंगा, इससे कम लगाऊंगा तो फिसलने का प्रयास तो करेगा लेकिन फिसलेगा नहीं, वो कौन सा वो हो जाएगा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लॉजिक क्लियर है, डाउट है? क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर है ना? और याद रहे ये जो बल होते हैं गति घर्षण बल, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये कहते हैं गति विरोधी घर्षण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, गति विरोधी घर्षण। ये गति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये गति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये बात याद रखो। अच्छा, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, किसी पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है तो क्या ख्याल है कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम, कम, अगर ज्यादा है तो कम। वेलोसिटी अगर ज्यादा है, मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ, कभी आपने किसी को बिठा के साइकिल चलाया या नहीं? हाँ ना बोल भाई, चलाया है। जब साइकिल चलाया है तो शुरुआत में ताकत कितनी लगानी पड़ती है, लगाया कभी ऐसे? नहीं लगाया क्या, ऐसे एकदम लगाया कि एकदम, ये तो बिठाए होगे तो ऊंचाई से चढ़े होगे, ये तो साइकिल को थोड़ा मोमेंट करा के तक चढ़े होगे, ये तो चलाए होगे तो फिर भरपूर ताकत लगाए होगे, किया कि नहीं किया है बताओ। शुरुआत में ताकत ऐसे क्यों लगानी पड़ती है, सोचा शुरुआत में ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप रेस्ट फॉर्म में होते हो तो फ्रिक्शनल का फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है ना वो ज्यादा प्रबल होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल से ज्यादा, ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा लगाता है ना, और वो स्टैटिक फ्रिक्शनल से लेकर तुम उसको कहां ला रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शनल तक लेकर आ रहे हो तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल के लिए फिर उससे ज्यादा और लगाओ तो वो काइनेटिक में आ पाता है। कहानी समझ नहीं आ रही है, क्लियर हुआ? और जैसे ही काइनेटिक में लेकर आते हो तो फिर तुम्हारा फोर्स धीरे धीरे कम लगता है, जैसे जैसे वेलोसिटी फॉर्म में आते हो फिर मेंटेन करने में बल लगाना पड़ता है, बाकी नहीं, मेंटेन करने में, अपने वेलोसिटी को मेंटेन करने में जो फोर्स लगाना पड़ता है वही, जितना वो रोकेगा उतना तुम लगाओगे ताकि हमारे वेलोसिटी फॉर्म में यूनिफॉर्म में चल सके। यानी कि शुरुआत में ज्यादा क्यों लगाना पड़ा, समझ में नहीं आ रहा है? जब वो रेस्ट फॉर्म में होगा तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जब वेलोसिटी फॉर्म में आएगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, और ये फोर्स का मान जितना आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे उतना ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पक्की बात है या डाउट है? अरे बोलो, पक्की बात है या डाउट है? एकदम क्लियर है, सच में? चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यू के होगा, म्यू के, और जो म्यू एस होगा, इन दोनों में अगर बात करें तो किसका ये यूनिट ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा होगी वैल्यू या इसकी ज्यादा होगी, म्यू एस की क्या होगी, ज्यादा, अभी तो बताया मैंने, म्यू के वैल्यू क्या होगी, कम। ये जो आया है कांस्टेंट वैल्यू, ये किसके लिए आया है, ये गतिज के लिए आएगा, और ये जो है किसके लिए, स्थैतिक के लिए, ये स्टैटिकल है और ये क्या है, काइनेटिकल है। नहीं समझा क्या बात, क्लियर है, डाउट है? क्लियर है, चलो भाई ऑब्जेक्टिव तब डिस्कस कर पाओगे ना, पहले इतने, फिर यहाँ पे इनके टाइप चलते हैं, टाइप क्या चलते हैं, सर्पी चलता है, खिसक खिसक के चलने वाला, जैसे लोग खिसका खिसक के चलते हैं है ना, और एक लोटा लुटका के चलते हैं। अच्छा बताओ किसमें घर्षण ज्यादा लगता है, लुटकाने में, खिसकाने में, खिसकाने में घर्षण बल ज्यादा लगता है, गति इसमें भी है, कैनेटिक इसमें भी है, लेकिन इसमें काइनेटिक फोर्स ज्यादा है क्योंकि एक चीजें घिस रही है ना, वो लुढ़क रहा है, लुढ़कने में कम है, ऐसा क्यों? मतलब एक चीज है, ऐसा क्यों लगा दो ना, आधी कहानी खत्म। हाँ बताओ, देखो लुढ़कने में क्या होता है ना, रगड़ कम लगता है, रगड़ ही रहा धरी के,
रगड़ने में घर्षण बल ज्यादा लगता है, रगड़ने में घर्षण बल ज्यादा लगता है और लुढ़कने में घर्षण बल कम लगता है। क्योंकि जब वो लुढ़केगा बेटा तो रगड़ नहीं खा रहा है, उसमें रगड़ नहीं लग रही है ना। पहिया को अगर तुम ब्रेक लगा के चलाओ उसको तो पहिया घिस जाएगा आपका, यानी कि जितना ब्रेक का इस्तेमाल करोगे पहिया उतनी जल्दी घिसेगा, क्योंकि वो रगड़ खा रहा है, सर्पी लग जाता है। और जब पहिया लौटता रहता है ऐसे दना दना से लुढ़कता रहता है, लुढ़कने में बेटा वो घिसता नहीं जल्दी, लुढ़कने में घर्षण बल कम लगता है तो घिसेगा नहीं, और रगड़ कम खाएगा तो जाहिर बात घिसेगा कम, है ना। लेकिन लेकिन अगर वो खिसकाते रहो उसको खाली तो क्या होगा, तो रगड़ ज़्यादा खाएगा, और रगड़ ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, जाहिर बात है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ घिस जाएगी। अच्छा तुम सोचो, यहाँ पे पहिए की तीन आकृतियाँ दी गई हैं, तीन आकृतियां, तीन आकृतियां हैं पहिए की, तीन आकृति, एक ये, एक ये, एक ये। भैया पहिए को गोलाकार ही क्यों बनाया गया, पहिए को वृत्ताकार ही फॉर्म में क्यों बनाया गया, तो सोचो ना, विजुलाइज करो क्यों बनाया गया। हमारे पास तीन शेप हैं, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया, ऐसा ही क्यों बनाया गया, व्हाई दिस पोलैरिटी, अच्छा इसके तीनों शेप में, तीनों आकृतियों में एक चीज हमें देखने को मिलेगा घर्षण की बात, किसमें घर्षण तुम्हें ज्यादा लगेगा, थर्ड वाले में ज्यादा लगेगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले में, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में, ना के बराबर घर्षण लगेगा, वो लुढ़कता रहेगा। घर्षण जिसमें लग रहा है उसको बोलते हैं हिंदी में सर्पी, क्या बोलते हैं सर्पी, मतलब जो रगड़ खा रहा है ज्यादा, सर्पी हो गया, रगड़ नहीं रहा, लौट रहा है तो लौटनी, ना लौट रहा है लौटनी, घिस रहा है तो घिसनी नहीं, रगड़ खा रहा है, घिस रहा है, रगड़ के चल रहा है तो क्या होगा, सर्पी घिसनी। समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ रहा है। तो अगर हम आपसे बात करें कि लौटनी घर्षण, लौटनी घर्षण और सर्पी घर्षण, दोनों में प्रबल कौन है, लौटनी या सर्पी, सर्पी ज्यादा होगा और लौटनी क्या होगा, कम होगा, तो सर्पी पे घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, और लौटनी पे घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। डाउट हो बताओ बेटा, अब समझे हो कि पहिए को वृत्ताकार क्यों बनाया गया था, क्योंकि अगर पहिए को वैसा बना जाता, रगड़ के चलने वाला बनाया जाता ना, तो पता चला दो दिन, एक ही दिन बाद, एक ही दिन हमको लगता दो दो चार चार घंटे बाद तुम पहिया चेंज कराते रहते, कहीं चुकेगा, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चुक गया। अरे मजा आ जाता, खाना खाओ साला आज खाओ, एक घंटा गाड़ी में बैठो पच गया, थोड़ी देर हचके जो लगते हैं नॉर्मल हचके, है ना, उनमें तो हम लोग का खाना अच्छा खासा बस में पच जाता है। तो सोच के देखो अगर गाड़ियों में ऐसा लग जाए, प्लेन रोड है फिर भी आप समझ में आया कि पहिए क्यों वृत्ताकार फॉर्म में बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें घर्षण बल क्या होता है, सबसे कम लगता है, इसके अपेक्षा सबसे कम घर्षण बल किसमें लगता है, लौटनी में लगता है, यही कारण इसके कारण सारे पहिए कितने होते हैं, वृत्ताकार फॉर्म में होते हैं। नहीं समझ में बताओ, आ गया। चलो अब लौटने में संपर्क बिंदु वेग के कोई इससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलो मैं तुम्हें एक और लॉजिक इसमें बता देता हूँ, अभी तो बहुत सारे लॉजिक है इसमें, ठीक है ना बेटा, अभी ये लॉजिक क्लियर है, अभी तो बहुत सारे लॉजिक हैं। अच्छा जब पैडल चलाते हो शुरुआत के समय, पैडल चलाते समय या फिर जब दौड़ते हो, बहुत सारी चीजें घटनाएं हैं। साइकिल जब चलाते हो, पहिए मारते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहिए का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है। ये तुम्हारी साइकिल है
और तुम यहाँ पे पैडल मारने की व्यवस्था बना सकते हो बेटा, ये पैडल मारने की व्यवस्था है, है ना, ये पैडल मारने की व्यवस्था है। और जब तुम इसमें पैडल मारते हो शुरुआत में, जब चलाना प्रारंभ करते हो तब, एक चलाते हो तब, स्टार्टिंग पॉइंट अलग तरीका होता है और चलने के बाद जो होता है वो अलग तरीका होता है ना। जब मैं चलाने वाला होता हूँ शुरुआत के तौर पर, तो इस पहिए की डायरेक्शन किधर होती है, आगे की ओर होती है पीछे की ओर होती है, या इसकी किधर होती है, आगे की ओर पीछे की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में होती है क्या, दोनों पीछे की ओर होती है। विचार करके बताओ, मतलब ऐसे मत सोचो, अभी विचार कर ले, मतलब सोचो, विचलाइज करो, पहिए चलाता हूँ तो किधर घूमता होगा, वो किधर घूमता होगा, इसे सोचो। अच्छा अगर ये ठीक आगे दूसरे पकड़ के तो पीछे भाग गया, हां हां सही। पैडल चला रहे हो तुम, पैडल रोका नहीं, पैडल चला रहे हो तो बताना, तभी पक्का पक्का तुम तो आगे, किसका आगे, आगे वाले पहिया है पीछे वाले का, दोनों का आगे की ओर जाएगा, दोनों आगे की ओर। अब सोच रहे होंगे आगे क्यों चलाएंगे, तभी तो सर जाएगा, तुमने ऐसा नहीं सुना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम पृथ्वी को पीछे को धक्का मारते तब पृथ्वी मुझे आगे को धक्का मारती है। समझो, जैसे मान लिया हम हैं, अब जैसे हम हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जैसे पैर को देखो, पैर को हम जैसे खड़े हैं तो हम आगे तब बढ़ रहे हैं जब मैं इसको पीछे धक्का दे रहा हूं। अब यहीं पे अगर घर्षण कम पड़ जाए, इनके बीच में जो हमने बताया था खांचे बने होते हैं ना, उनमें फंस के धक्का मार पाते हैं, एक कम पड़ जाए देखो टायर फिस जाता है, इसका बैलेंस गिर जाता है हमारा, हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम इसको पीछे को धक्का देते हैं तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, वो हमें आगे को धक्का देते हैं, आगे सिंपल तरीके से बढ़ पाते हैं। हमने इसको धक्का किधर दिया, तो ये पीछे की ओर, मैंने ये मेरा डायरेक्शन, ये पैर डायरेक्शन किधर है, पीछे की ओर है, हम किधर बढ़े, आगे की। ये तो इसकी कहानी थी। कभी तुमने पानी में रखकर पहिया को नचाया है, पानी किधर जाता है, पीछे लेगा ना, पीछे जाता है। तुम मारते किधर को, पीछे पानी जाता है, मारते किधर को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहां जहां घिर्री होता है वहां तुम मारे हो नहीं, वो घिर्री के ऊपर जो चैन चलता है ना उसको देख के बताओ, नहीं समझे क्या मेरी बात। अरे यार, गिरी देखा नहीं देखा, साइकिल में गिरी देखा ना, चलाया ना, अनुभव किया ना, आगे पीछे ना करो यार, एक रखो, या तो आगे तो पीछे, या तो आगे तो एक बोल रहा है आगे, फिर बोल रहा था नहीं पीछे, पीछे पीछे, फिर बोल रहा नहीं आगे आगे, मतलब खुद तो कन्फ्यूजन है ही हो, सबको कन्फ्यूजन कर रहे हो, सब कन्फ्यूजन डाल लो, एक लॉजिक रखो, देखो सिग्नल खड़ा कर रहा है, मिला सिग्नल तुम्हारा। तो बताओ, हाँ बताओ भैया, बताओ बताओ, पक्का पक्का, पीछे का मतलब हुआ इसकी डायरेक्शन ये इधर नहीं होगी, इधर होगी, पक्का ना, चलो मैं मान लेता हूँ, ये पक्का है ना, चलो मैं मान लेता हूँ, ये वाला आगे वाले पहिया के बारे, अब आगे वाला पहिया भी पीछे की ओर बोलोगे। चलो अभी हम तुम्हारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं, बेटा तुम लोग ना थोड़ा फाती है। अभी हम पैडल मारेंगे, समझो हमने पैडल मारा, ठीक है, जब पैडल मारा, ये चीज मारा हमने पैडल, यहाँ पे पैडल लगाया गया, ये चैन थी तुम्हारी, है ना, चैन है यहाँ पे, चैन है यहाँ पे, ठीक है, पूरी साइकिल मॉडिफाइड होती जा रही है पहले देर में, ये हमने इसे पैडल मारा, तो जब हम पैडल मारेंगे तो इसके ऊपर ऐसे बल लगेगा, किधर लगेगा, आगे की ओर, लेकिन ये अपने आप से घूम रहा है, ये अपने आप से घूम रहा है, तो इसमें लगेगा आगे की ओर, और इसमें क्या लगेगा, क्योंकि अपने आप से घूम रहा है तो इसमें लगेगा किधर, पीछे की ओर, घर्षण नहीं आ रहा है, इसमें घर्षण बल कितना लग रहा है, आगे की ओर, कैसे, जैसे ही फिसलता है तो पहिया पीछे घूम जाता है, जैसे ही फिसलता है पहिया पीछे घूम जाता है, तो बल तो आगे को लगा रहा ना घर्षण बल, तभी तो चल पा रहे हो आप आगे को, जैसे मैं कैसे चल पा रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी मुझे आगे को धक्का मार रही है, तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। नहीं समझ आया क्या बात, नहीं आया क्या, आ गया ना, आगे पीछे, आगे पीछे, कुछ तो समझ,
ये चीजें समझो, इसमें क्योंकि हम इधर घुमाते हैं तो इसमें खांचे लगे होते हैं, तो खांचे फंसते हैं, तो इसमें फंसते हैं तो घर्षण बल आगे को लगा रहे, तो इसलिए आगे बढ़ जाता है। अब पृथ्वी तो आगे पीछे खिसक नहीं जाएगी, लेकिन बीच में थोड़ा घर्षण बल कम हो जाता है, कम होता है तो पहिया घूम जाता है, पहिया घूमता है, देखो पहिया वहीं पर दरपन कहीं नाच गया हुआ रहा, तो आपके कीचड़ जो आता है देखो पीछे आ जाता है, कीचड़ हमेशा देखो पूरे पीछे वाले इंसान को एकदम मतलब बुआदा बुआदा, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना, गतगतवा दीन है जो बोलो गतगतवा दीन टकरवा दीन सरकरवा दीन, जो मानो वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे तो ये पीछे की ओर मतलब ऐसे, तो ये जहां से ये चीजें आप देखो पानी में कभी देखना आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि दरे पर वो पहिया नाच रहा है, और जैसे वहां जमीन आ जाएगी तुरंत तो पहिया नाचना बंद, ये तो आगे बढ़ेगी, ये तो खड़ी हो जाएगी वहीं पे, ये तो फिर जमीन को खाड़ के फेंके वो वहीं से, मिट्टी होता नहीं मिट्टी पीछे वो कर देती है, तो ऐसा तो फ्रिक्शन कितना लगा आगे को लगा, तभी आगे सेकंड खड़ी, और इसमें कितना लगा रहा है पीछे की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं पैडल मारना बंद कर दूं, अब मैं तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूं, मैं तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूं, अब पैडल धीरे साइकिल धीरे रुक रही है, जैसे रुक रही है रुक क्यों रही है क्योंकि अब कहां लग रहा है पीछे की ओर लग रहा है, अभी बढ़ रही थी क्योंकि आगे की ओर लग रहा था, अब रुक रही है क्योंकि पीछे की ओर लग रहा है, अब दोनों ही पीछे क्यों लगाएंगे, जब पैडल नहीं मारोगे दोनों फ्रीली घूमेंगे, जो फ्रीली घूमेंगे उन्हें फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे क्यों लगेगा, जब पैडल मारोगे दोनों ये पीछे वाला आगे को धक्का मार रहा है ना उस लिए, ठीक है ना, चलने के लिए, तो ये किधर लगेगा इस पर फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा, जैसे पैडल मारना बंद कर देंगे कितना लगेगा पीछे क्यों लगेगा, लॉजिक क्लियर हुआ नहीं? यानी पैडल मारने के समय पीछे वाले पहिया का आगे की ओर होता है, आगे वाले पहिया का पीछे की ओर, लेकिन पैडल मारने के बाद की बात करें तो ये पीछे वाला भी पीछे की ओर, ये भी पीछे की ओर होता है, दोनों ही पीछे की ओर होते हैं, नहीं समझे क्या बात? हाँ ना बोल भाई।